और अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह आले इमरान 100 नंबर 3 आयत नंबर 64 के अंदर, और यहाँ कहा गैर मुस्लिमों से खिताब किया कि आओ उस बात की तरफ जो हमें तुम में इकसा है, क्या उस बात की तरफ जो हमें तुम में इकसा है, और हम एक अल्लाह की इबादत करें और उसके किसी को शरीक नहीं बनाएं, और अगर कोई इस बात से पलट जाए तो कहोगे मैं मुस्लिम हूँ, कि तुम गवाह रहना मैं मुस्लिम हूँ। तो अब हमारे यही है कि नहीं, तो सबसे पहले तो गैर मुस्लिम को सुनाने से पहले तो हमको सुनाने की ज़रूरत है कि आओ उस बात की तरफ जो हमें तुम में इकसा है, तो हमें तुम में इकसा है उस पर तो कम से कम आओ, वो राय का इख्तलाफ अब छोड़ दे, लेकिन कम से कम उस बात पर तो आएँ कि कौन सी बात, कई किताब एक है, ये अल्लाह के, ये रसूल एक है, उसके तरीके एक है, तो इस कम से कम इस बात पर तो आएँ तो इख्तलाफ ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास में ये है कि वहाँ लिखा तो होता है, पोस्टर पर क्या लिखा हुआ, पीछे बैनर लगा हुआ बड़ा 30x40 का, इत्तिहाद मुस्लिम, इत्तिहाद मिल्लत, ये पोस्टर हम लगा रहे हैं। अब उसके ऊपर अब बुनियाद क्या, सबसे पहले क्या बुनियाद होनी चाहिए कोई भी चीज़ की, अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग को खड़ा करना तो उस पर क्या चाहिए, हमको चाहिए बुनियाद। बुनियाद हो गया ऊपर पूरी बिल्डिंग बना दे 10 माले की, अगर आपने उसकी बुनियाद नहीं रखी तो बिल्डिंग थोड़ी सी हवा में गिर जाएगी, बुनियाद उसकी होनी चाहिए। तो बगैर बुनियाद, तो सबसे पहले तो बुनियाद तय होनी चाहिए, खाली अपने अपने स्टेज से बोलने से कुछ नहीं होता कि इत्तिहाद हो, बुनियाद तय करें कि बुनियाद क्या होगी इसको एक करने की, तो बुनियाद तय करना। तो बुनियाद हम, अब बुनियाद क्या हो सकती है, तो बुनियाद तो सबकी एक है, जो इसके आयत में भी फरमा गया क्या उस बात की तरफ जो हमें तुम में एक साथ एक रब की इबादत करें, तो ये हमारी बुनियाद